हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। SCERT द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास पढ़ई तुम्हारे द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैं श्रीमती निर्मला वार्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रवेली, ब्लॉक अभनपुर, जिला रायपुर से हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश प्रकाश क्या होता है ना, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है? तो किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक तो हमारे आँख की आवश्यकता होगी, और दूसरा जो है, और किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो प्रकाश की आवश्यकता होती है ना? किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमारी एक स्वस्थ आँख की ज़रूरत पड़ेगी और प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, हम कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति जो है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? मान लो कोई व्यक्ति बंद कमरे में बैठा हुआ है, और दूसरा जो कमरा है उसमें कोई वस्तु रखी है। मान लो हम ये क्या है मैम? कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है? मान लो ये एक मोबाइल ले लेते हैं, या फिर पेन ले सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं, है ना? ये वो चीज रखा हुआ है। तो इस ये जो है, ये मिरर है, कांच का क्या है, दरवाजा है, घर के कांच का एक दरवाजा लगा हुआ है इस बंद कमरे के अंदर, है ना? तो मान लो यहाँ पे क्या है, अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है ना? और यहाँ पे भी क्या है? अंधेरा है। तो बताइए बच्चों, क्या ये व्यक्ति इस मोबाइल को देख पाएगा? तो ये जो व्यक्ति है, इस मोबाइल को अंधेरा होने के कारण नहीं देख पाएगा, तो इस, है ना? और दूसरा रीजन हो सकता है, यहाँ पे प्रकाश है और यहाँ पे क्या है? अंधेरा। इस कंडीशन में क्या ये व्यक्ति इस मोबाइल को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि जहाँ वस्तु रखी हुई है वहां पर क्या है? अंधेरा है। क्योंकि हम किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वस्तु की जगह पे क्या है? अंधेरा है, जिसके कारण से ये व्यक्ति जो है इस मोबाइल को नहीं देख पाएगा। मान लो यहाँ पे क्या है? अंधेरा है ना? और यहाँ पे प्रकाश। इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग बताइए? इस कंडीशन में ये होता है कि अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई वस्तु प्रकाश में रखी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति इसको देख सकता है ना? एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश है और यहाँ पर भी क्या है? प्रकाश है ना? तो इस सिचुएशन में भी व्यक्ति क्या इस मोबाइल को देख सकता है। तो ये हो गया आंख और प्रकाश का संबंध। मतलब आंख जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जब तक आंखों पे रोशनी नहीं पड़ेगी हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस कंडीशन में नहीं देख सकते, इस कंडीशन में भी हम नहीं देख सकते। ये हो गया प्रकाश, है ना? अब आप अपने बुक खोल लीजिएगा, बुक पे देखेंगे। ये समझ में आ गया? अब देखिए, आप देखते हैं सर।
अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश के स्रोत के बारे में, है ना। तो प्रकाश के स्रोत का परिभाषा क्या हो गया? प्रकाश द्वारा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। तो प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश जो है दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है और एक कृत्रिम स्रोत, है ना। तो प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश को क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। तो प्राकृतिक स्रोत में आपका जो सारणी दिया है 12.1, उसमें देखेंगे आप लोग 12.1 में प्राकृतिक स्रोत का कुछ उदाहरण अपन को लिखना है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, है ना, चंद्रमा, तारे, ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और कृत्रिम स्रोत क्या हो सकता है आप लोग बताइए? तो कृत्रिम स्रोत जैसे टार्च है ना, मोमबत्ती है, लैंप है, ये बहुत सारे उदाहरण हम कृत्रिम स्रोत में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को प्रकाश के जो स्रोत है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे देखते हैं, क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। तो इसमें आपके बुक में दिया है आवश्यक सामग्री, मोमबत्ती, माचिस, स्ट्रा या कागज को मोड़कर बनाई गई एग्जैक्टली सीधी नली, है ना। क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो देखिए आपके बुक में जो ड्राइंग दिया है, कागज को मोड़ करके जलती हुई मोमबत्ती को देख रहे हैं, तो वो सीधा दिखाई दे रहा है ना। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। सेकेंड डायग्राम में कागज को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, यदि हम कागज को मोड़ देंगे तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तव में प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने एक उत्तल दर्पण लिया है ना। इस उत्तल दर्पण को हम प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, है ना। देखिए बच्चों, इधर मैंने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है। इस उत्तल लेंस को प्रकाश के माध्यम से देखेंगे तो देखिएगा प्रकाश आपको सीधी रेखा में दिखाई देता है, दिखाई देता है प्रकाश जो है सीधी रेखा में दिख रहा है, अच्छा नहीं जाता है ना, जैसे जैसे पास आते जाएगा। अच्छा, हाँ वहां देखिए बच्चों, अब देखिए, है ना, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, ये स्पष्ट दिख रहा है। जैसे जैसे हम मोबाइल को पास में लाएंगे प्रकाश फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाते हैं तो एक ऐसा दिखाई दे रहा है, एक सीधी रेखा में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो ये हो गया प्रकाश सीधी रेखा में चलता शक्ति, उसके बारे में इस लेंस के माध्यम से हमने समझा। आगे देखते हैं, आगे दिखाइए सर। आगे देखिए, अगला जो आपका बुक में ड्राइंग दिया हुआ है उसमें आवश्यक सामग्री दिया हुआ है, मोमबत्ती, लंबी सुई, माचिस की 3 खाली डिब्बियां, लकड़ी के 4 गुटके। बच्चे इस ड्राइंग के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। माचिस का खाली डिब्बा है ना, उसके ढक्कन को खोल करके हम उसमें क्या कर दिए हैं, एक एक छेद कर दिए हैं, और तीनों खोके का जो छिद्र है वो कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, है ना, तभी हम वो जलती हुई मोमबत्ती को देख पाएंगे। मान लो माचिस का डिब्बा को थोड़ा सा भी सरका दिया जाए या उसके मार्ग में थोड़ा सा अवरुद्ध उत्पन्न किया जाए तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। आगे देखिए, अब देखते हैं छाया का बनना, आपके बुक में दिया होगा। देखिए छाया का बनना, इसमें आवश्यक सामग्री है टार्च, चाबी, है ना।
अब इसको प्रयोग करके देखेंगे। टॉर्च को जलाकर दीवार पर प्रकाश डालना है। अब टॉर्च और दीवार के बीच में एक चाबी रख देते हैं। दीवार पर चाबी की छाया बनती है कि नहीं, ये अभी मैं करके दिखाऊंगी, है ना। अर्थात यदि प्रकाश की किरणों के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश की किरणें रुक जाती है और दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती, जिससे दूसरी ओर रखे दीवार पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। मान लो मैं इस चाबी को ऐसे टॉर्च वो करके देखती हूँ, है ना। तो देखिएगा इसमें लाइट पड़ने से इस चाबी का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, बैकवर्ड पर दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, वस्तु का छाया है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी परछाई को देख सकते हैं, चाहे वह चाबी हो, पेन हो, टंकी हो, कोई भी हम वस्तु ले सकते हैं और उसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। अगला देखिए, हाथ की परछाई के माध्यम से प्रयोग। ये तो बड़े खेल खेल में सभी बच्चे ऐसा करके देख सकते हैं, है ना। आप बंद अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला लेना और परछाई बना बना करके देखना, तो आपको छाया बनता हुआ दिखाई देगा। है ना। तो देखिए, मैं देखिए मैम कौन से सेक्टर का है? पाठ 12 प्रकाश बुक खोल लीजिएगा, अब देखेंगे, है ना। तो जैसे मैं कोई छाया बना रही हूँ, दिख रहा है मैं मुट्ठी बनती हूँ, मेरा जो अंगूठा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाएगा। आप जैसे भी आकृति में बनाना चाहेंगे, हाथ जोड़ेंगे तो हाथ जोड़े जैसे दिखाई देगा, है ना। और हिरण का जो ये है सिंह, है ना, ये ऐसा आपको दिखाई देगा, दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप परछाई बना करके देख सकते हैं, है ना। अगला है, हाँ, प्रछाया और उपछाया। बच्चे इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आपके बुक में प्रकाश का स्रोत, वस्तु, उपछाया, प्रछाया, उपछाया एक पर्दे पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, है ना। प्रछाया में आपको एकदम घना सा परछाई दिख रहा है और उपछाया में लाइट परछाई दिख रहा है ना। इसको भी हम यहाँ प्रैक्टिकल के माध्यम से करके बताएंगे। तो देखिए, छाया दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रछाया और दूसरा होता है उपछाया। प्रछाया का आशय छाया के उस काले घने भाग से है जो प्रकाश रहित होता है। इस भाग में प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती, ये क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है ना। और उपछाया में क्या होता है, उपछाया का आशय उस छाया से है जो कम प्रकाश के कारण बनती है, वो कहलाता है उपछाया, है ना। समझ में आ गया प्रछाया क्या है, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना। तो देखिए हम इसको करके देखते हैं, प्रछाया हमको कैसे दिखाई देता है और उपछाया को हम कैसे देखेंगे। एक लेंस है जो दोनों तरफ से क्या हुआ है, दबा हुआ है ना। दबा हुआ मतलब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों तरफ से दबा हुआ लेंस है ना। तो इसमें हमको दिखाना है प्रछाया कौन सा है और उपछाया कौन सा है। तो मैंने मोबाइल का टॉर्च चला लिया है ना। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, जो ज्यादा घना काला दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, प्रछाया कहलाएगा, है ना।
दिख रहा है, काला काला पंछी दिख रहा है। बीच वाली है वो है प्रछाया, है ना, और उसके साइड में जो कम लाइट दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, इस लेंस के माध्यम से स्पष्ट पता चल रहा है कि बीच वाला जो वस्तु है वो प्रछाया है और जो आउट साइड में कम लाइट जो दिख रहा है वो क्या है, उपछाया है। तो इस लेंस के माध्यम से हम स्पष्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। ये हो गया प्रछाया और उपछाया। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रछाया का आशय उस काले घने भाग से है जो प्रकाश रहित होता है। आपके चित्र में भी दिख रहा है, बुक में, है ना, इस भाग में प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचता, जिसके कारण वो ज्यादा काला दिखाई देता है, उसका परछाई, है ना। और उपछाया में प्रकाश की किरण लाइट रहता है ना, कम प्रकाश के कारण बनती है, वह कहलाती है उपछाया। अब आगे देखते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पूर्णिमा की रात में, है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है ना। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण क्या नहीं दिखता, कभी कभी जब तीनों एक ही तल पर एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है। इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता। जब चंद्रमा का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आज चंद्र पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ है, इसी को कहा जाता है ना। तो पृथ्वी की प्रछाया में से होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो एक शॉर्टकट भी यदि आप जानेंगे तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है ना। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप नॉर्मल शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पृथ्वी बीच में आने के कारण सूर्य के प्रकाश को वो रोक देता है ना, और चंद्रमा पूरा छिप जाता है ना, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता, तो ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है, ठीक है, और हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो कक्षीय तल होता है वो 5 इंच झुका हुआ होता है ना, जिसके कारण हमेशा क्या नहीं हो सकता, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता। अगला देखते हैं बच्चों, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जैसे हमने चंद्रमा का बताया वैसे ही सूर्य ग्रहण में देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जो सूर्य चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह नहीं पड़ पाता, तो हमको लगता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, बोलते हैं ना गांव में कि सूर्य को आज ग्रहण लगा हुआ है ना। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात में ही होता है ना। सूर्य को ग्रहण कब लगता है, अमावस्या की रात में, है ना, है ना, हाँ सॉरी, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, कभी कभी जब तीनों के केंद्र एक ही स्तर पर एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक ले जाने के कारण वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इस घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं।
एक चीज और समझिएगा इसमें, चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं, है ना, एक महीने में पूरा एक परिक्रमा लगा लेता है। चंद्रमा किसका परिक्रमा लगाते हैं? पृथ्वी का परिक्रमा लगाते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। समझ में आया? चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का परिक्रमा करता है। और पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक है। और चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना। एक चीज और देखिएगा, इसके अंतर्गत एक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अलावा एक सुपर मून भी होता है। तो सुपर मून किसको कहते हैं, ये हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। सुपर मून में क्या होता है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को और क्या कहते हैं, अर्थ, है ना। ये क्या है, पृथ्वी। ये जो है इसका परिक्रमा लगाते हैं, है ना। ये है चंद्रमा, सूर्य स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना। नहीं तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है, और ये जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। दिख रहा है ना। जब पृथ्वी जो है नहीं वृत्ताकार में क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वृत्ताकार मतलब पूरे वृत्त के आकार में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा लगाते हैं। तो जैसे दीर्घ वृत्ताकार को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हैं, ये कहलाता है दीर्घ वृत्ताकार, है ना। और यदि हम ये गोल कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त में क्या होता है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, लेकिन ये दीर्घ वृत्ताकार में ये जो होता है ये पास पास होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है ना। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आता है, चक्कर लगाते लगाते सूर्य के नजदीक मतलब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है ना, और पृथ्वी इसकी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर जब आ जाता है तब क्या होता है, इसी घटना को सुपर स्क्रीन मून नहीं दिख कहते रहा हैं। है, इस मैम घटना को स्क्रीन ही नहीं दिख रहा कहते है, हैं, दिख रहा है बेटा, इस घटना को नहीं कहते दिख रहा है। हैं सुपर मून। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके उस पे, है ना, इसी कारण यहाँ स्पष्ट इस दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए मैं पूरा है नहीं का। हाँ, तो जब दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जब ये पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक पहुंचता है, तब इसी घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण पहले से पता था, सूर्य ग्रहण भी पता था, अब हमको क्या पता चल गया, सुपर मून के बारे में भी हमको ज्ञात हो गया, है ना। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। एक ब्लू मून भी होता है,
जब कभी महीने में दो पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा मतलब दो बार पूर्णिमा होता है, तो सेकेंड जो पूर्णिमा होता है ना, एक पूर्णिमा ये हो गया, दूसरा पूर्णिमा ये हो गया, तो दूसरी जो पूर्णिमा आती है उसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है ब्लू। एक महीने में दो पूर्णिमाएं आती हैं, तो पहला पूर्णिमा को नहीं कहते हैं, दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितना अंतर होता है, 30 या 31 दिन का गैप होता है, ठीक है। और ये जो दो बार पूर्णिमा हमेशा नहीं आती, कब आती है, ये 2.5 साल के बाद आता है ना, हर साल नहीं आता, ये 2.5 साल के अंतर में आता है। जैसे इसके पहले 2018 में आया हुआ था, अब 2.5 साल के बाद फिर से ये हमको दिखाई देता, तो इसको कहते हैं ग्लोब। ये हो गया, अब आगे देखते हैं, समझ में आया कि नहीं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सुपर मून और ब्लू मून। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी सी जो दिया है वो आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और जिस बिंदु पर टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और टकरा करके पुनः वापस हो जाता है उसको क्या कहेंगे, परावर्तन, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे एक अवतल लेंस के माध्यम से समझते हैं कि परावर्तन होता कैसे है ना, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो है अवतल लेंस है, लेकिन अवतल लेंस है ना, तो देखिए पीछे से इसका पेंट लगा हुआ है ना, तो ये पीछे से लगा है तो ये मिरर का काम करेगा है ना, तो अब इस पर हम फोकस लगाते हैं, क्या डालेंगे, टॉर्च डालती हूँ, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, कि प्रकाश को उधर जाने दे रहा है, प्रकाश को ये परावर्तित कर दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को, चमक रहा है मतलब प्रकाश को ये परावर्तित कर रहा है, ठीक है, दिख गया है ना। इसके जगह पे यदि मैं कोई नॉर्मल कांच लेती हूँ, कांच का गुटका या गत्ता भी बोल सकते हैं या स्लेश भी कहते हैं इसको है ना, तो इस पे यदि हम टार्च लग मारते हैं तो देखिए ये आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ये आर पार चला जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आर पार चला जाता है उसको कहते हैं अपवर्तन, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन, दिख रहा है आप लोगों को। ये जो कांच है नॉर्मल कांच है, जिसके कारण जो परछाई है टॉर्च की वो आर पार चला जा रहा है ना, तो ये आर पार चला जाता है उसको कहते हैं अपवर्तन, और जो आर पार नहीं जाता टकरा करके क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, उसको कहा जाता है परावर्तन। समझ में आ गया, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, समझ में आया कि नहीं, कि फिर से देखना है, आ गया ना समझ में, तो इस तरीके से हम प्रकाश के परावर्तन को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। हाँ एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है ना। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, ठीक है, याद रखेंगे,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है ना? तो अब बताइए आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास के प्रश्न है ना? इसमें आपको और उस खाली स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है? जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है वह खाली स्थान कहलाती है। आप शुरू में ही पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, तो क्या आ जाएगा? जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है वह प्रकाश स्रोत कहलाती है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश खाली स्थान रेखा में चलता है। कौन सी रेखा में चलता है? हमने क्या बताया? बताइए। प्रकाश इधर देखिए आप लोग, कौन सी रेखा में चलता प्रकाश है? क्या बताई थी मैं? प्रकाश जो है सीधी रेखा में प्रकाश चलता है ना? सेकंड क्या लिखेंगे? सीधी रेखा में सीधी रेखा चलता है। चलता चंद्र है। ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी का खाली स्थान की छायाओं के कारण होता है। बताइए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी तथा किसकी छाया के कारण होता है? क्या बताया हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में? बताएंगे आप लोग? चंद्रमा किसकी छाया कर चंद्रमा की छाया के चंद्रमा कारण पढ़ते हैं, है ना? अगला है, चौथा यस क्वेश्चन है, किसी चमकदार सतह से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन प्रकाश का खाली स्थान कहलाता है। अभी जो हमने पढ़ा परावर्तन के बारे में, तो यही इस खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? किसी चमकदार सतह से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन परावर्तन कहलाता है। अब आप लोग देखेंगे सही विकल्प चुनिए, है ना? तो पहला है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? बताइए कितना समय लेगा? 8 मिनट हाँ, 8 मिनट का समय लेता है। इसके पश्चात जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रछाया के मध्य से गुजरता है तब होता है, क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। इसमें से कौन सा आएगा? चंद्र चंद्र ग्रहण नहीं आएगा। क्या आएगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण आएगा। क्या आएगा? पूर्ण पूर्ण चंद्र चंद्र ग्रहण, ग्रहण ठीक है? जब पूरा चंद्रमा यस मैम पृथ्वी के प्रछाया के मध्य से गुजरता है तब क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है? अगला है, दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण व्यक्ति की छाया की लंबाई होती है। मान लो टाइमिंग 12 बजा हुआ है ना? उस समय यदि हम अपनी परछाई को देखते हैं तो परछाई कैसा दिखाई देगा? अधिकतम दिखेगा कि न्यूनतम दिखेगा, या फिर व्यक्ति की लंबाई का 2 गुना, या इसमें से कोई नहीं? कौन सा आएगा? न्यूनतम न्यूनतम आएगा। क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। न्यूनतम हाँ, तो ये हो गया अभ्यास के प्रश्न। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? यस मैम हाँ। अगला देखिए, गृह कार्य के प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये आप लोगों को करके लाना है। प्रछाया और उच्छाया में अंतर बताइए। पूर्ण तथा खंड चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं? प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता, है ना? तो मैंने उसके बारे में भी बताया, खंड तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आवश्यक सावधानी बताइए। परावर्तन की घटना के लिए किस प्रकार की सतह होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोगों को गृह कार्य के लिए दिया गया है और आप लोगों को बना करके लाना है। किसी बच्चे को यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ
इतना पढ़ाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके। हरिओम।